यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. इफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई टू इक्वल टू अल्फा, ये फाउंडेशन क्लास कोर्स में करवाया हुआ क्वेश्चन है. एक्स बिलोंग टू माइनस वन टू वन, वाई बिलोंग टू माइनस टू टू टू, देन द वैल्यू ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर. इसको हम एक काम ये भी कर सकते हैं, तो खैर डोमेन के लिए दिया है. पहले मैं आपको मेथड्स के पहले ऑप्शंस के भी तरीके बताता हूं. सपोज मैं एक्स की जगह वन बाय टू ले लू, वन बाय टू का फायदा ये होगा कि यहां पर कैंसिल भी हो जाएगा इजीली. इवन अगर आपने सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू ले ली टू, होगा कॉस इनवर्स जीरो कितना पाई बाई टू, और कॉस इनवर्स वन होता है जीरो, तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई टू. अब अगर मैं ये वैल्यू इसमें रख दूं, तो एक्स की जगह जीरो रख दिया, ये जीरो ये भी जीरो, तो मिला फोर. अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन फोर आंसर दे सकते हैं अल्फा की वैल्यू पाई बाई टू रखने पे. एक यही आंसर दे रहा है क्योंकि अल्फा की जगह पाई बाई टू रखा तो वन, तो ये आ रहा है फोर, और किसी में भी नहीं आ रहा क्योंकि ये सब जीरो हो जाएंगे. तो करेक्ट आंसर इज फोर साइन स्क्वायर अल्फा. ये एक तरीका हो सकता था इसमें वैल्यू लेके कर सकते. अगर इन दो वैल्यू से सेटिस्फाई करता तो फिर मैं बोलता हूं एक्स की जगह वन बाय टू, वाई की जगह टू ले लीजिए. पर एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये तो हुआ आपने ऑप्शन से कर लिया. अब अगर इसको चाहते तो मेथड से करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम लगाना है आपको. तो कॉस इनवर्स एक्स वाई का फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस इनवर्स एक्स वाई अपॉन टू माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू अल्फा अल्फा. तो आपको ऐसा मिलेगा एक्स वाई अपॉन टू कॉस अल्फा को यहां ले आओ इक्वल टू रूट, इसमें कहीं पे अभी कुछ मत करिएगा. और अब आप कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन फोर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस टू से टू कैंसिल एक्स वाई कॉस अल्फा इक्वल टू मिलता आपको इसका स्क्वायर खत्म तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन फोर. देखिए ये भी कंप्लीटली कैंसिल. अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसका और इसका एलसीएम ले लो, तो अब आप समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन. यहां पर इसको मैं इधर लाता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय फोर माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा. अब अगर इसका एलसीएम लूं तो देखिए क्या आ गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई कॉस अल्फा इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर अल्फा. ये पूछा था तो ये राइट नोट डाउन दिस. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या क्वेश्चन है. लोकस का क्वेश्चन है, समझिएगा. द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस द सर्कल एंड वाई एक्सिस. एक सर्कल है जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये कर दिया. और साथ में एक और चीज बोली है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है इसके सेंटर का लोकस बताना है, जिसका सेंटर मान लो एच के है तो रेडियस भी एच हो जाएगा. और साथ में ये एक सर्कल और है जिसको टच कर रहा है जिसका रेडियस है, ये सेंटर से जा रहा होगा, इसको थोड़ा और ऊपर ले लो, इसका रेडियस है वन यूनिट. राइट, अब इस सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है. क्वेश्चन बहुत सिंपल, इजीली आप हैंडल कर सकते हो. कैसे, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि इसका रेडियस है वन, इसका रेडियस है एच. ऐसा बोल सकते हैं आप कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू होगा एच प्लस वन के. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस टू एच प्लस वन, ये कैंसिल, तो के स्क्वायर इक्वल टू टू एच प्लस वन या वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एच प्लस वन, ये लोकस ऑफ ये लोकस. यानी क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल था, वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, दिस इज द राइट आंसर. क्या बोला है, एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को टच करता है एंड ऑल्सो टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, देन लोकस ऑफ दिस सर्कल. तो इसका रेडियस क्योंकि y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस होगा h, तो इसका रेडियस h, इसका 1, दोनों सेंटर का डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ रेडियस कर दिया, तो उससे आपको लोकस मिल गया. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन ट्राइंगल एबीसी सी एंड एंगल एबीसी आर इन एपी, ऑल्सो रेशियो ऑफ ए बाई बी इज 1/√3, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की जो क्विक रिविजन क्लास ली थी उसमें भी फाउंडेशन में भी मैंने एक स्टैंडर्ड चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि ए को 30, ये एक ट्रिक भी बताई थी और मैंने बोला था इसका बहुत यूज होगा, बी को 60 और सी को अगर 90 ले ले तो इसकी साइड का रेशियो होता है 1/√3 और 2. एक बात अब अगर ध्यान दें तो ये 1:√3 दिया है, ये 4 दिया है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 2, इसे 2√3 और 4. अच्छा, ये एंगल एपी में भी होते हैं, तो एक तरह से ऐसा ही ट्राइंगल दिया. इसको मैं मेथड से भी समझा दूंगा अभी आपको. तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल होगा, ये सी की वैल्यू 90 हो गई,
ए हो गई फोर साइड, एक हो गया 60, एक हो गया 30, तो 60 के सामने वाली साइड कितनी हो गई 2√3, एक हो गया 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला तो एक स्टेप में हाफ बेस इनटू हाइट, एक 2 से 2 कैंसिल, तो 2√3 इज द राइट आंसर। बेसिक ट्रिक बताई थी, बस क्या होता है कि ये इसी को बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच और लॉजिक्स, कि जो आपसे कंसेप्ट बनाए उनको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे ही मैंने देखा 1/√3 तो आपको याद हो 1√3 2, बट यहां पर ये दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 2 टाइम रेशियो ही तो है, 2 टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसी रेशियो में आ जाएगा क्वेश्चन, इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता, बाकी मेथड से भी करते। तो एंगल कभी भी एपी में बोले जाए तो बी एंगल हमेशा ही 60 होता है, तो उसको मेथड से करते तो ऐसा करते, साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू 1/√3, देन साइन ए बी की वैल्यू 60 है यानी √3/2 इक्वल टू 1/√3, तो साइन ए इक्वल टू 1/2। देखिए ए एंगल आ गया 30, अब एक एंगल 30 आ गया तो दूसरा एंगल बचा आएगा, क्योंकि एक 60 ऑलरेडी था तो बचा हुआ अपने आप ही 90। यानी मेथड से करने में भी टाइम नहीं लगेगा, पर जो ट्रिक्स बताई अगर आप उनको यूज करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अ स्फेरिकल बॉल रेडियस 10 सेंटीमीटर इनक्लोज्ड बाय आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, एक बॉल के ऊपर आइस की यूनिफॉर्म थिकनेस शेप में है, वो भी मतलब कंप्लीट बॉल बना रही है, और वो आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। इफ आइस मेल्ट एट द रेट ऑफ, किस रेट से मेल्ट हो रहा है, dv/dt इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, देन रेट ऑफ डिक्रीजेज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस व्हेन थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसका की रेडियस इनिशियली 10 दिया हुआ है आपको, राइट इसके ऊपर एक बर्फ की थिकनेस है, कोई यूनिफॉर्म है ये बोला है, मान लीजिए ये एक्स है, ये मेल्ट, ये मेल्ट होते होते ये क्या होगा, थिकनेस इसकी कम होती जाएगी, तो आपको बताना था रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस व्हेन ये लेयर जो है वो कितने की है, 5 की। अब अगर मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए इसका इनिशियल रेडियस आर होता, इसका वैसे पता है आपको 10 है और ये एक्स है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है स्पेयर है तो 4/3 pi आर क्यूब पर, आर की जगह क्या लिखोगे 10+x³, राइट अभी वेल आर ले लो क्योंकि अभी तो हम इन जनरल टर्म में कर रहे हैं, तो r+x³, ठीक है आर कांस्टेंट तो आप इसकी जगह 10 भी लिख सकते हैं, वेरिएबल x ही है क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप लिखते 4/3 था सॉरी, तो 3 से 3 कैंसिल, 4π (3, 3 कैंसिल हो गया, 10+x² (dx/dt) ये पूछा है, ये दिया है 50 इक्वल टू 4π 10, x की वैल्यू दी है आपको 5, जब 5 हो जाए तो 15² (dx/dt), तो बोलिए dx/dt कितना हो गया, dx/dt हो गया 50 अपॉन 4π (15² तो 15 × 15 ही लिखिएगा, क्योंकि कई चीजें कैंसिल हो जाती है, जैसे ये कैंसिल करूं 5 से तो ये 10 टाइम, ये 3 टाइम, ये फिर 5 से कैंसिल करूं 3 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल, यानी 1/18π (cm³/min) के रेट से बर्फ की थिकनेस कम हो रही होगी। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक स्फेरिकल बॉल है उसके ऊपर आइस थिकनेस है, यूनिफॉर्म है, उसका डिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स, तो ओवरऑल वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो वो जाएगा 4/3 pi, बॉल का रेडियस 10 था तो 10+x³। अब ये मेल्ट हो रहा है आइस, तो मेल्ट होने का रेट दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, आपने डिफरेंशिएट किया तो dx/dt मिल गया, राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इतना अच्छा क्वेश्चन है, एपी और मैक्सिमम मिनिमा का मिक्स क्वेश्चन है, क्या इफ टर्म a1 a2 a3 up to a50 आर इन एपी, इफ एंड a6 = 2, a6 = 2 मींस a+5d = 2, ये गिवन है और बोला है देन वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एट विच मैक्सिमम वैल्यू a1 a4 a5, यानी कॉमन डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब a1 a4 a5 ऑकर दिया हो, तो ठीक है a1 मींस a4 मींस a+3d a+4d, ये आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन बन गया, मैक्सिमम मिनिमा इससे निकलेगा, d निकालना इससे, मैक्सिमम बोला है, सिंपल है, a की वैल्यू रख दीजिए 2 - 5d (+3d), समझाने के लिए स्टेप लिखा, आप कम कर सकते हो 2 - 5d (+4d), लॉजिकली 2 - 5d (2 - 2d) (2 - 2d) एंड 2 - d, अल्टीमेटली
उसको इसका मल्टीप्लाई करके डी की एक इक्वेशन बनेगी और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा से डी का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे करेंगे वो आप कर सकते हो, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 माइनस 5 डी को ऐसे ही रहने दीजिए, चाहो तो 2 बाहर निकाल लो तो ये 1 माइनस डी मिलेगा, 1 माइनस डी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टेप्स कम से कम लिखने की कोशिश करिए, 2 माइनस 2 डी माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, मतलब बेसिकली 2 बाहर है, 2 माइनस 5 डी के बाद आपको मिल गया डी स्क्वायर माइनस 3 डी प्लस ऑफ 2, और मल्टीप्लाई करिए तो ये मिलेगा आपको कितना, 2 डी स्क्वायर माइनस 5 डी क्यूब, यहां से क्यूब की इक्वेशन बन जाएगी, माइनस 60 प्लस 15 डी स्क्वायर, राइट। कहीं पे मिस्टेक ना हो ये ध्यान रखना, 2 डी स्क्वायर माइनस 5 डी क्यूब माइनस 6D माइनस 6D प्लस 15 डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 10D। अब इसको अरेंज करें आप पूरी, यस, तो ये आ गया कितना, 2 इंटू माइनस 5D क्यूब राइट प्लस 17D स्क्वायर माइनस 16D प्लस ऑफ 4। अब चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, माइनस बाहर भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट फंक्शन में माइनस बाहर ले लें तो माइनस 2 को लिख दें, तो 5D क्यूब माइनस 17D स्क्वायर माइनस प्लस 16D माइनस 4। अब ये ऑब्जेक्ट फंक्शन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो रूट्स मिलेंगे। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो देखिए क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा और जीरो से इक्वेट करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 15D स्क्वायर माइनस 34D प्लस ऑफ 16 इक्वल टू जीरो, राइट, प्लस ऑफ 16 इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, ये कितना हो जाएगा, दोनों ही, ये दोनों पॉजिटिव है तो फैक्टर नेगेटिव बन जाएंगे आपके, तो कितना जाएगा 140 बनाना है, 240 के लिए क्या आ जाएगा, देखिए 15D स्क्वायर माइनस 24D माइनस 10D, यस 240 प्लस ऑफ 16। अब क्या करोगे आप, इसमें से आपने कॉमन लिया 3D कॉमन लिया, तो 5D माइनस 8, यहां से आपने कॉमन लिया 2, तो 5D माइनस 8। अब जब जीरो से इक्वेट करोगे तो 1D का वैल्यू आ गया 8/5, 1D का वैल्यू आ गया 2/5, राइट, 1D का वैल्यू आ गया 2/5। अगेन डिफरेंशिएट कर लीजिए इस इक्वेशन को जो आपने निकाल के रखी है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करूं तो देखिए अपने आप ही क्या आएगा, 2, ये एक बार डिफरेंशिएट करी हुई इक्वेशन ये, इसको अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं तो मुझे समझ में जाएगा किस रूट पे क्या मिल रहा है, तो देखिए क्या आ जाएगा, df/dt स्क्वायर, दोबारा करेंगे dt तो ये आ जाएगा माइनस 2 को वहीं रहने दीजिए, 15 डी स्क्वायर, ये तो आ ही चुका था। अब ये जो इक्वेशन लिखी है हमारी, हमें निकालना है ये, इसको डिफरेंशिएट करके निकाला तो फाइनली आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, 30D माइनस ऑफ 34। और अब आप इसमें जब इसमें अब आपके पास आगे माइनस 2 भी था, तो अब आप इसमें जब आगे कोई भी एक रूट रखें, जैसे 2/5, तो 2/5 रखने पे क्या होगा, 30 × 2/5 माइनस 34, ये कैंसिल, तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो अपने आप ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा 8/5, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।